दोस्तों, तो आज मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ होली मिलने। एक्चुअली होली मिलना तो बहाना होता है, आपस में गेट टुगेदर हुआ। मैं उसके घर पहुँची तो उसने मुझे अबीर से मेरा स्वागत किया, अबीर लगाकर, और बहुत अच्छा लगा। हम मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, हम तीन हैं, बहुत ही क्लोज़ हैं और बहुत मस्ती करते हैं। और फिर आई मेरी दूसरी दोस्त, हम लोग और भी मस्ती कर रहे थे खूब। और फिर उसके साथ मैंने भी अबीर लगाया, मैंने कहा लाओ लाओ मुझे भी अबीर की कटोरी दो। और फिर मैंने उसको पकड़ा और फिर हम लोग चिपक गए गाल चिपका के, और फिर खूब रगड़म रगड़ी चालू हो गई थी कि ये रही ये अच्छे से ये मस्ती हो गई। फिर हमने खाई गुजिया, पापड़, चिप्स और ये सब खा रहे थे और खूब बातें वातें कर रहे थे। फिर उसने हम लोगों को काजू बादाम और ये नान खटाई बिस्किट वो खुद बनाई थी, वही हम लोग खा रहे थे और बहुत मज़े ले रहे थे। मैं अपनी फ्रेंड को खिला रही थी कि लो लो तुम खाओ, और फिर मैं भी खा रही थी जो बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था। और खाते खाते हम लोगों ने कहा चलो सूट करते हैं यार, इसकी नान खटाई बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। फिर उसने हम लोगों के लिए टिक्की और मटर बनाया था जो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था। और उसने अच्छे से हम लोगों को बढ़िया चटनी के जार दिखा रही थी, हम लोग उसके जार देख के बहुत अच्छे लग रहे थे। हम लोग कहते हम भी जाएंगे और ये ऐसे ही जार लेके आएंगे, बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने सच में बहुत यम्मी टिक्की बनाई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही डिलीशियस। मुझे तो भाई खा के मज़ा आ गया, मेरा तो पूरा पेट भर गया था। बहुत अच्छे से उसने सब कुछ कट करके रख रखा था। ये देखिए, ये मैंने बना ली पूरी अपनी टिक्की और कितनी यम्मी लग रही है, वाह। आपको भी अगर ये टिक्की की रेसिपी जानी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ इस टिक्की की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी फ्रेंड, हम लोग इतनी बातें कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे और बच्चों को भी बुला रहे थे कि आओ तुम लोग भी जल्दी जल्दी खा लो। एक्चुअली में उसका बेटा और मेरा बेटा भी दोस्त है, और जब से ये लोग फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं ना तब से हम लोग की दोस्ती। और मैंने तो भैया अपनी टिक्की खाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी अब रहा नहीं जा रहा था। और वो लोग बातें कर रही थी लेकिन मैं मज़े लेके अपना पूरा ध्यान उसी टिक्की में दे रही थी कि भाई मुझे तो खाना है और मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा था खा के। फिर मैंने अपनी फ्रेंड की भी वो सब बना रही थी वीडियो की, इतनी मस्ती कर रही थी। फिर तब तक उसकी बहन आ गई, फिर हम लोग उनसे बातें करने लगे और खूब मज़ा आ रहा था उनसे भी बात करके, सबसे बात करके। फिर हम लोगों का प्रोग्राम शुरू हुआ। ये देखिए कि हम लोगों ने अपना सब फिनिश कर दिया, मैंने फटाफट, वो भी खा ही रही थी। मैंने जब वो वीडियोस बनाने लगी हुई तो मैंने कहा कि यार मत बना अभी, तो मैंने सब फिनिश कर दिया है, लेकिन वो नहीं, वो हम लोग को सूट कर रही थी। हम लोग खूब हंसती मजाक कर रहे थे। फिर वो हमसे कह रही थी और ले लो और ले लो, हमने कहा नहीं अब हम नहीं लेंगे। फिर बच्चों को उसने बना कर दिया, बच्चे भी खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत यम्मी लग रही थी। और फिर हम लोगों का शुरू हो गया डांस प्रोग्राम, क्योंकि बिना डांस प्रोग्राम के तो हम लोगों का ये गेट टुगेदर बिल्कुल भी बनता नहीं है। और हम लोग खूब मस्ती करते हैं, इसी बहाने हम लोगों ने जो खाना पिया होता है सब अनहेल्दी चीज़ें वो सब डाइजेस्ट हो जाती हैं। और फिर ये हम लोग के लटके झटके शुरू हो गए। ये देखिए क्या लटके हैं क्या झटके हैं। फिर हंसते हंसते हम लोग लोट पोट हो रहे थे और बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे थे और हम लोग अपनी मस्ती में जुटे हुए थे। और फिर हम लोगों ने कहा कि वाह क्या, फिर तो हम जोश में आ गए, ये डांस के देखिए कितना अच्छा, एक मज़ा आ रहा था, बहुत बहुत इंजॉयमेंट हो रहा था। उसके बाद हम लोग गाने बदल बदल के एक दूसरे को खूब मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यार फ्रेंड लोगों के साथ जाओ ना तो लगता है कि लाइफ की परेशानियां भी बिल्कुल भूल जाओ, जब तक फ्रेंड लोगों के साथ रहो ना तो क्या मस्ती आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। फिर मेरी दोस्त और मैंने एक जोगी जी पे एक अच्छी सी परफॉर्मेंस दी और वो बन के आ गई, बढ़िया दुपट्टा पट्टा उसने सर में बांध लिया और हम लोग जोगी जी वाले गाने पे डांस कर रहे थे कि जोगी जी भूख न लगे। इतना मज़ा आया, इतना फ़न किया हमने, बहुत मज़ा किया। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जब रहते हैं तो कितना मज़ा करते हैं, कितना फ़न करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई मैं तो बहुत फ़न करती हूँ। ओके।